हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल देख के पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है, तो अभी अभी रिसेंटली जस्ट अभी 8:30 को एलविश यादव और आरजे अभिनव ने अपने अपने चैनल पे एक टिकटॉक के रिलेटेड वीडियो अपलोड की। तो मैं हंस रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा फनी है एंड थोड़े लोग को गलत लगेगा। तो सबसे पहले मैं वो दोनों वीडियोस के हाइलाइट्स अभी डाल रहा हूँ, तो आप लोग वो देख लो। सनी लियोनी, हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मैं कहना चाहता हूँ मौसम कितना अच्छा है गाइस, आप देख सकते हैं। अरे बहुत पैसा ले रहा है, बैक कूल बैक भैया, बैक कूल 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 सलवार। हाय गाइस, माय नेम इज भाषिका भाटिया, माँ मेरी चलाए उड़न खटोला, लौंडे आके मुझसे पूछे क्या हाल है पटोला। एक और। हाय गाइस, माय नेम इज ब्यूटी खान। ब्रो ये क्या है? टैलेंट कंटेंट। अच्छा टैलेंट दिखाना तो यूट्यूब पे बनाना वीडियो, टिकटॉक पे टैलेंट दिखाएंगे, नहीं चलेगा भाई फिर। तू यहाँ नहीं चलता है ये सब, यहाँ चलता है। लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। पर 70 से ऊपर फॉलो भी ना बढ़ते, कल 71 हो गए थे, पर नहीं, जनता ने फिर 70 करवा दिए, फिर किसी ने अनफॉलो मार दिया। और एक तू है भाई, तो अपनी वीडियो में लड़के से लड़की बन जाता है, तेरे छपरी फैंस खुश हो जाते हैं। तू तो भाई यहाँ से गुटखा भी थूक देगा ना, तेरे तो भी 2 लाख लाइक पक्के हैं। और हम माइकल जैक्सन भी बन जाएंगे जब भी पब्लिक को पसंद नहीं आता। ये बीड़ी पीने की वजह से तो नहीं हो रहा? बीड़ी छोड़नी पड़ेगी क्या? अरे नहीं यार, बीड़ी थोड़ी छोड़ूंगा इस चीज के पीछे। भाई एक छोटी सी बात बताऊंगा, थोड़ी सी चुभेगी पर सुनियो, टैलेंट वहाँ दिखाया जाता है जहाँ लोग उसको पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो, उसकी कदर करते हो। मैं भी सोच रहा था भाई टिकटॉक पे वीडियो बनाऊंगा, अपना बढ़िया टैलेंट दिखाऊंगा और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। पर भाई यहाँ तो सीन ही अलग है, यहाँ लोगों को देखना पसंद है कूड़ा, बेफालतू की चीज है। तेरे को पता टॉप पे कौन बैठा है, वो क्या करते हैं? इंडिया में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, कोई सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, बहुत सारी चीजें करता है, बट वो हिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को देखना पसंद है बेफालतू की चीजें। अब मेरे को एक बात बता, लोग अपना टैलेंट क्यों दिखाएंगे जब उनको लग रहा कि भाई हम तो बेफालतू की वीडियो बनाएंगे और अपने हिट हो जाएंगे। भाई इतने टाइम में टिकटॉक में मैंने एक चीज सीखी है, अगर तुम्हें हिट होना है ना तो तुम्हें क्रिएटिविटी और टैलेंट का मारनी पड़ेगी गोली और बकचोदी लगानी पड़ेगी गले। समझ रहा मेरी बात? एक्स्ट्रा पेटी गोट है ऊपर से चमके कला से है ये दूर, करते कुछ नहीं बस फोकट में मशहूर। आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है। टिकटॉक के थू थू कराओ विभाग के सीईओ, इनका मैं नाम नहीं ले सकता, इनका कहना है कि इनका नाम यूज करके लोग व्यूज इकट्ठे कर लेते। दिन के 10 कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर मैं बोलूंगा आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, हम भी कंटेंट क्रिएटर है। वही जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, इट्स योर बॉय स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई, योयो हनी सिंह, विकी फिशी बॉय बादशाह। जाना कि YouTube पे यूट्यूबर्स की मार्केटिंग खत्म कर दूंगा। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को YouTube पे आ जाना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे मारना चाहिए। वैसे तो लॉकडाउन ने कर दी मार्केट खत्म, सब लोग क्रिएटर हैं, सब वीडियो बनाते हैं, सब सर एक कम्युनिटी है। ये अच्छी बात कही, सब वीडियो बनाते हैं, KRK भी वीडियो बनाता है, वो भी वीडियो क्रिएटर है। कॉन्टेंट के शहनशाह अगर इजाजत हो तो एसी थोड़ा कम करवा दो, जैकेट ले लो, ठंड लग रही। अंकल प्लीज। क्योंकि जैकेट भैया ये क्या तमीजी बेटा, वो अंकल टिकटॉकर है ना। हाँ तो आप कुछ भी फेंकोगे तो वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप एक और मंगाओ। विक्की एक और फेंकी यार, बड़ी जाहिल हरकत है यार। विक्की भाई ऐसे फेंक के मत दे। वे जारा वीडियो बना सके रोने की। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपने टीचर को लिख दिया कि आप मुझे डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में सब समझा दूंगा पर्सनली। अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा। वो अंकल इंस्टाग्राम प्रमोट करना था मुझे तो इसलिए मैंने बोला। बोर्ड एग्जाम में लिख दिया विक्की तेरा, तो मैं कहता हूँ विक्की का यहाँ से भी खत्म कर दूंगा। नहीं तो भाई आपको भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ गए, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपने रिमूव कराई है ना वीडियो? क्या आपने रिमूव कराई है ना वीडियो? कौन सी वीडियो? आंखों से टाइम लैप्स बनाना बंद कर दे। रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव डीएम्स, नेगेटिव कमेंट्स, जिसके वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। बेटा मैसेज बहुत अच्छा है, मैं तो कहूंगा आप लोग भी ये काम मत कीजिए। लेकिन आपका एक वीडियो हमने और देखा,
तो अच्छा इसी बात पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो ये मेरा आईफोन है, इसके अंदर तुम्हारा नंबर डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या सोच कर क्या है यार, बहुत अपसेट हूँ मैं, बहुत अपसेट हूँ मैं, चिपक, अरे मतलब चिपक रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा अपसेट हूँ, शोल्डर दुख रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही विजन था, एक ही मोटिव था कि जो भी टिकटॉकर ये वीडियो देख रहा है प्लीज ऑफेंड मत होना। जैसे आमिर भाई ने बोला था कि स्पोर्टिंग ले लो, तो वैसे ही इसको भी स्पोर्टिंगली लेना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है YouTube वर्सेस TikTok अभी और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों वीडियो अभी फैलने वाला है, ऐसे फैलेगा कि। तो हाँ, मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, मोटिव था ये बनाने का, कि इसे एक जोक की तरह लेना। एंड हाँ, दैट्स इट फॉर वीडियो एंड